टापू लगता, चारों तरफ पानी, अकेला उसका घर होता। सिर्फ हल्की सी ढील दिया। अबे एक लोग उधर जाए। अब आ गया। आइए दोस्तों पहला पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से है। लेफ्ट साइड पतंग नीचे से है। राइट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। इसने गद्दा चला, राइट साइड वाली पतंग ने गद्दा चला पूरी ताकत से। उन्होंने पट मारा है लेकिन पट कट गया क्योंकि जगह नहीं थी। चलिए फटाफट हम देखेंगे दूसरा पेज। बहुत ही बढ़िया पेज देखने को मिलेंगे और दिल्ली में तो 15 अगस्त भी आने वाला है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, ऊपर से है, ताकत से खींचना शुरू किया है और रोक लिया। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, ध्यान से समझेंगे। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, राइट साइड वाली पतंग ने देखिए फिर से खींचना स्टार्ट किया, रोका। उन्होंने गद्दा चला है, इन्होंने ताकत से पट मारा, रोक लिया। फिर से खींचा है पैरेलल, वो अंदर खींच रहे हैं, रोक लिया। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, ध्यान से समझना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़े कम वीडियो आ रहे लेकिन तब भी कर लीजिए। गद्दा मारा लेफ्ट साइड वाले ने, उन्होंने ताकत से बाहर खींचा है, पतंग गिरती हुई गई और लाम बनती हुई। बढ़िया पेज काटा, लाम बनती हुई पतंग गिरी बाहर। देखिए कैसे पतंग को चलाया और ताकत से बाहर खींचा और पतंग गिरती हुई चली गई। वो डबल पे जरूर खींच रहे थे लेकिन लाम बनती हुई पतंग ताकतवर होती है। आइए दोस्तों फटाफट अगला पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से काफ़ी ज़्यादा झोल बना के चल रहे हैं। नीचे वाली पतंग ने अंदर ताकत से खींचा है, वो झोल कटा, कुछ नहीं किया। इतनी ज़्यादा लंबे थी उनकी पतंग और झोल बहुत ज़्यादा था, बस अंदर ही देखिए खड़ा की दिया और वो गद्दा क्या दिखाया ही था नीचे और उनकी पतंग चली गई। झोल बहुत ज़्यादा था, अंदर ताकत से पैरेलल पहले ही से खींच देते तो काम बनता। चलिए अगला पेज देखते हैं, इस छोटे भाई का पेज है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से, अब इस बार लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है। देखिए वो अंदर की जगह बना रहे हैं, जो राइट साइड वाली पतंग है नीचे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, खूब सारा शेयर करिए। थोड़े जैसे बारिश का जो है सीज़न चल रहा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए करीब कराते हुए, उन्होंने पतंग को चलाया, ताकत से चलाते जा रहे, पहले ही खींच दिया और ये गद्दा मारा। दिखा दिया पहले ही देखिए कि हम सीधा खींच लेंगे और झोल बहुत ज़्यादा था और उनकी पतंग थी भारी भरकम। फट से गद्दा लाद दिया और बढ़िया पेच काटा है ये ऊपर वाले खिलाड़ी ने। आइए अगला पेज देखते हैं फटाफट। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये देखिए पैरेलल खींच लिया। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से थी, ध्यान से समझना। ये देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे थी, ऊपर खींच रहे थे और ऊपर वाले खिलाड़ी ने भी पैरेलल ऊपर यानी संगत से ऊपर खींच लिया। बढ़िया पेच काटा, नॉर्मल पेच था ये, इसमें ताकत लगानी पड़ती है ज्यादा। आइए धीरे धीरे पेच को फेरा जा रहा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, नहीं लेफ्ट साइड वाली पतंग अब ऊपर से है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, ध्यान से समझिए। बढ़िया पेज देखने को मिलेंगे, एक से एक, एक नंबर के पेज अभी देखने को मिलेंगे। चलिए वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग बहुत ज़्यादा ऊंचा किया, राइट साइड वाले नीचे वाले खिलाड़ी ने, इन्होंने गद्दा चला, वो भी ताकत से बाहर खींच रहे हैं। उनकी पतंग डबल होती हुई थोड़ी सी ऊपर उठती चली गई, यही फायदा हुआ। बढ़िया गद्दा मारा है ऊपर वाले खिलाड़ी ने, अब एक लोग उधर इन्होंने। चलिए अब नीचे का पेज मिला है उनको। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अब नीचे से है। पेज की रेंज बहुत ज़्यादा दूर नहीं लड़ रही है, 300 साढ़े 300, कुछ पेज और भी कम पे लड़ रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए काफ़ी ज़्यादा अंदर जगह बना रहे दोनों। अंदर मतलब होता है कि एक दूसरे के घेरे में जाना, एक दूसरे करीब जाना। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए और ऊंचा कर लिया, उन्होंने गद्दा चला, गद्दा राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, अंदर का गद्दा आ रहा है, उन्होंने ताकत से पट मारा। ये देखिए अभी डोर फेंका है, मात्र डोर ही फेंका है। देखिए है, मैंने कहा ना डोर फेंका था, कटे नहीं थे। जल्दी से ऊंचा किया ऊपर वाले खिलाड़ी ने, बहुत चालाक खिलाड़ी है ये, बहुत बढ़िया पेच लड़ा रहे हैं। कोई भी ऐसे पट मारता तो पतंग कट जाती, लेकिन उन्होंने जल्दी से डोर फेंका,
क्योंकि नीचे वाला खिलाड़ी ज्यादा आगे खड़ा है इसलिए डोर मिली नहीं। बहुत बढ़िया पट मारा था लेकिन। चलिए फिर से कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, ध्यान से समझिए, पतंग को चक्कर दे रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, चक्कर दिया, राइट वाली पतंग देखिए और अंदर जा रहे हैं, उन्होंने पतंग और ऊंचा कर लिया, और रखा गद्दा मारा, उन्होंने पट मारा, गद्दा मारते चले जा रहे हैं, ताकत वो देखिए, जैसे ही उन्होंने ऊंचा मुड्डा किया वो पट मारना चाहिए था ताकत से, या फिर अंदर का ताकत से पट मारना चाहिए था, ऊंचा नहीं खींचना चाहिए था, उसी में उकड़ गए। चलिए आपके लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से अंदर की जगह बनाता हुआ नीचे का खिलाड़ी जो कि राइट साइड वाली पतंग है, बढ़िया पतंग को चलाया, ऊंचा खींचा, उन्होंने गद्दा चला, बहुत ज़्यादा पहल से चला है और अंदर के झटके लगा रहे थे, देर कर गए, थोड़ा देर कर गए। देखिए यहीं पे खींच देना चाहिए था, यहीं पे खींचना चाहिए था, लेकिन ये देखिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर गए थपकी मारने के लिए, और बढ़िया गद्दा मारा इन भाई साहब ने हमारे, बहुत बढ़िया ताकत से गद्दा मारा था। टाइमिंग का खेल होता है, ज़रा ज़रा सी देर में सारा काम गड़बड़ा जाता है। चलिए कॉर्नर पे देखिए, लेफ्ट साइड उधर पेच हो रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर पे देखिए, अभी मैं इधर ले आता हूँ धीरे से, ये आ गया। अब लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, अंदर की जगह ऊंचा करके बनाते चले जा रहे हैं, उन्होंने गद्दा दिखाया, अंदर का गद्दा उतार रहे हैं ताकत से, ये इन्होंने पट मारा, बाहर खींचा है ताकत से, वो भी अंदर की तरफ गद्दा मार रहे हैं, ये बाहर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। बढ़िया पेच हुआ ये, गजब का पेच, बहुत बढ़िया पेच हुआ, ताकत का पेच था। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से थी, देखिए किस तरह जब उन्होंने बाहर का खींचा था तो ऊपर वाले खिलाड़ी ने अंदर का गद्दा चलाया, बहुत बढ़िया पेस, ताकत का पेस था, थोड़ी पतंग कम रह गई नीचे वाले खिलाड़ी की कहीं ना कहीं। आइए दोस्तों अगला पेस देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, इस बार ऊपर से है लेफ्ट साइड वाली पतंग, और नीचे जो है राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊँचा करते चले जा रहे, वो चेहरे की तरफ आ रहे हैं, इन्होंने जल्दी से पट कर लिया और बताया कि भैया चढ़ के लड़ाइए, यानी कि अंदर आइए। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, ध्यान से समझेंगे, नीचे वाले जो चक्कर खा रही है बिल्डिंग के पास, पेच की रेंज है 350 मीटर, हवा बहुत अच्छी चल रही है, 15-16 की हवा है, अद्धी का ये गेम चल रहा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, गद्दा रखा, वो अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं और गद्दा मारते चले जा रहे हैं, इन्होंने पट मारा है, अब देखते हैं कौन काटता है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से थी, जो निकलेगी अभी पता चल जाएगा किसने किसे काटा है, जो निकलेगा वही काटेगा। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, ये देखिए ऊपर वाले खिलाड़ी ने यानी काट दिया है, और ये रहे हमारे भाई, बहुत ही बढ़िया, बिलाल नाम है इनका। अब ये बिलाल जो हैं अब नीचे से पेच लेने आ रहे हैं, बढ़िया पेच काटा था इससे पहले गद्दा मार के। आए दोस्तों इस पेच को समझते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग अब बिलाल के नीचे से, ऊपर से हमारे भाई बढ़ते हुए ओपोनेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी बढ़िया पेज देखने को मिलेंगे, बहुत ही टेक्निकल पेज देखने को मिलेंगे, दियो के गेम में बहुत टेक्निकलिटीज देखने को मिलती हैं, टेक्निकलिटीज टफ है भैया, इंग्लिश टफ है। चलिए लेफ्ट साइड वाले पतंग देखेंगे नीचे से, राइट साइड वाले पतंग गद्दा मारते चले जा रहे, बिना कुछ सोचे समझे गद्दा मारते चले जा रहे, इन्होंने पतंग को चला के सीधा खड़ा खींच लिया है और उनकी पतंग कहीं चली गई, उधर ही ख़त्म हो गई। बढ़िया पेच काटा ये बिलाल ने, बहुत ही पहल से गद्दा मार दिया था बिलाल ने, खड़ा खड़ा पतंग खींच लिया, अच्छा पेच काटा है बिलाल ने ये। आइए अगला पेच देखते हैं हम, लेफ्ट साइड वाली पतंग एक बार फिर से बिलाल की, राइट साइड वाली पतंग एक बार फिर से ओपोनेंट की। चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले और शेयर करिए जिन्होंने अब तक नहीं देखा है काइट कल्चर जैसे चैनल को। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से बाहर की तरफ खींच रहे हैं, इन्होंने गद्दा बनाया बाहर का, ताकत से गद्दा मारा, उनकी पतंग अंदर की तरफ आ रही है, पलट के ऊपर खींचने की गलती कर दी और इनकी पतंग अंदर आई थी, अच्छा पेच काटा ऊपर से इस भाई ने हमारे। चलिए एक बार फिर से पेच देखते हैं, पेच समझते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से देखिए, और क्या, नीचे वाले खिलाड़ी ने पतंग को चलाया, उन्होंने गद्दा चला, रोका पतंग, ताकत से गद्दा मारा और बाहर खींचने की जगह ही नहीं मिली उनको, तुरंत ही गद्दा चल दिया, बढ़िया पेच काटा, करारा गद्दा मारा है। कॉर्नर पे एक नंबर चल रहा है, किसी को मांझा पतंग चाहिए ठीक है, इस पे ज़रूर कॉल मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको सही जगह से मांझा पतंग प्रोवाइड करवा दूँगा, इसलिए नंबर दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता रहता है। चलिए ये पेस देख लेते हैं, पेस से अच्छा इन भाई साहब की खींच देखते हैं, देखते हैं कैसा खींचते हैं, ठीक है बढ़िया, अच्छा है, सही खींच रहे थे, बाहें चढ़ा ली है ऊपर, देखते हैं इनका पेच।
लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, राइट साइड पतंग नीचे से। अब तक जो देखते आ रहे हैं तो भैया लाइक वाइक भी कर दिए, थोड़े टाइम बाद वीडियो आई है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, नीचे वाले खिलाड़ी ने पतंग को बहुत ज़्यादा ऊंचा किया, करीब कर रहे हैं, गद्दा मार के चक्कर दिया पतंग को, बाहर का गद्दा स्लो किया, उन्होंने ताकत से क्रॉस बट मारा है और वो काटा, बहुत ही प्यारा पेच काटा है। बहुत ज़्यादा पतंग को देखिए ऊंचा कर लिया था। राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है और इन्होंने गद्दा चला, रोकी पतंग, फिर गद्दा चलेंगे और अब ये रोक के बहुत ही प्यारा सही टाइमिंग। हालांकि पतंग जो थी थोड़ी सी अंदर की, इसलिए देखिए बाहर निकलती आई थी, तो क्रॉस पट भी मारा आखिरी में, थपक थपका भी, बेहतरीन पेस था ये। उन्हीं भाई साहब का एक और पेस देखते हैं जिन्होंने बाहें चढ़ा ली थी, कफन बांध के आए ऐसा लग रहा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, वो अंदर की तरफ चढ़ाए हुए हैं, गद्दा मारा, पतंग अंदर की तरफ जा रही है, ताकत से पट मारा, झटक रहे हैं, बढ़िया पेच काटा है। उनकी पतंग अंदर की तरफ आ रही थी, जो ऊपर से खिलाड़ी था देखिए, बाहर का गद्दा जरूर चलाया था लेकिन देखिए पतंग मूर्ति अंदर आ रही थी, लेकिन यही देख के थपकी मारी है ताकत से, ये देखिए कैसे थपका है, बढ़िया पेच, टेक्निकल पेच लड़ा रहे हैं हमारे भाई साहब, तो अच्छे पेच देखने को मिल रहे हैं आपको। 15 अगस्त दिल्ली वाले मेरे भाई जितने भी हैं, देखें इस पेच को और अपने सबको शेयर करें और इसी तरह के पेच लड़ाएं, बढ़िया बढ़िया। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से फिर से, ये क्या हुआ, पूरी पतंग घूम गई। राइट साइड वाली पतंग नीचे से फिर से वही गद्दा चला दिया, फिर पतंग घूम के आ रही है, इन्होंने ताकत से पट मारा और काम ख़त्म कर दिया। बहुत ज़्यादा पतंग ख़राब थी, दो दो बार उनकी पतंग घूम गई थी। और ये है हमारे भाई साहब जो पतंग बढ़िया लड़ा रहे हैं, ताकत से पतंग जल्दी से ऊंचा कर लेते हैं और उसके बाद क्रॉस पट और बाहर खींच रहे हैं लगातार, इनको रोकना होगा। चलिए फिर से लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए फिर से ऊपर से, वही हमारे भाई साहब एक बार फिर से ऊंचा करते हुए, देखिए जल्दी से ऊंचा कर लिया पतंग को, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, अब बाहर का गद्दा शो किया है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से गद्दा मारते चले जा रहे हैं, अब ताकत से फिर से बाहर खींचा है और देखिए क्योंकि पतंग थोड़ी सी अंदर है तो पतंग बाहर ना गिर के थोड़ी खड़ी होते चली जा रही है और कम से गद्दा मार रहे हैं बार बार, कम से गद्दा मार रहे हो बार बार। और एक और बात है, जो नीचे वाले पतंग का जो खिलाड़ी है, जो पतंग की है बहुत हल्की है, जिससे कि झोल बहुत पीछे चल रहा है और वैसे भी पतंग कम से गद्दा मार रहे हैं ऊपर वाले खिलाड़ी और कन्ने की जगह कट रही है, देखिए फिर से कम से करके आए हैं और झोल बहुत पीछे है नीचे का खिलाड़ी का, आप खुद देखिए पतंग का मुंह तो आपको समझ में आएगा, झोल बहुत ज़्यादा पीछे है। चलिए फिर से गद्दा रखते हुए ताकत से, यही पेच हो जाएगा, पूरी ताकत से खींच लिया है, बहुत जल्दबाजी करके ऊपर के खिलाड़ी लड़ा रहे हैं, लगातार 4-5 पतंग काट दी हैं हमारे भाई ने और ये पतंग जा रही है, इसमें भी ताकत का पेच हुआ लेकिन क्योंकि पतंग हल्की सी अंदर की, आपको देख के समझ में आ रहा होगा जो खिलाड़ी हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से फिर से एक बार, 5वां 6वां पेच है इनका, ये देखिए यहाँ से लड़ा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बाहर का गद्दा शो किया है, लेफ्ट साइड वाले ने इन्होंने करीब किया, पतंग को चलाया, पतंग को चलाया, चल नहीं रही है पतंग ज़्यादा अच्छे से, गद्दा मारा है ताकत से फिर से बाहर की तरफ खींचा है, बहुत कम से गद्दा मार रहे हैं बार बार, हर बार बढ़िया पेच काटते हुए। ये हैं हमारे भाई, बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं, पतंग के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं भाई साहब हमारे, ऐसा लग रहा बचपन से पतंग लड़ा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से इनका पेच देखते हैं, 7वां 8वां पेज होगा मेरे ख्याल से। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से फिर से अंदर की जगह बना रहे हैं, राइट साइड वाली पतंग नीचे से है, राइट वाली पतंग जो नीचे से लड़ा रहे हैं वो आगे की तरफ खड़ा रहता है, ऐसा ही छत में किया करिए, जो आगे रहा करे उसको नीचे से आने दिया करिए, जब भी छत का गेम हो, ऐसा नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, जो पतंग कभी कभी लड़ाते हैं वो कहीं से लड़ाने लगते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, अंदर की जगह बना रहे, फिर से कम करके पतंग लड़ा रहे हैं भाई हमारे, धीरे धीरे उतर रहे हैं। ये गद्दा मारा, उन्होंने क्रॉस मारा है, पतंग पेच नहीं हुआ, अब पेच होंगे, वो काटा, पूरी पतंग लांग गई थी और पेच अजीब सा हो गया, देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से थी, ये गद्दा मार रहे हैं, गद्दा मार रहे हैं, बाहर की तरफ पतंग निकल रही थी और ये अब उनका एक तरह से गद्दा पड़ गया था जबकि वो पतंग नीचे से थी और ये पेच भी काट दिया हमारे भाई ने, पता नहीं 7-8 पतंग काट चुके होंगे अब तक। चलिए इसी बात पे अगला पेच लेते हैं हमारे भाई, बढ़िया लड़ा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खींच भी रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पतंग इनकी पतंगबाजी देख के, टेक्निकल लड़ाते हैं ऐसा समझ में आ रहा है, आर पार के भी गेम लड़ा है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग फिर से एक बार ऊपर से, कम से फिर से लड़ा रहे हैं, पतंग बहुत हल्की है नीचे वाले खिलाड़ी की, ये अब तक समझ नहीं पाए ऐसा लग रहा है सामने वाले खिलाड़ी,
हल्की भी और झोल बहुत ज़्यादा है। चलिए ऊंचा किया, फिर से करीब करा रहे हैं, फिर से हटाया पतंग ऊपर वाले खिलाड़ी ने। एक ही तरह के पेच लड़ा रहे हैं ऊपर वाले खिलाड़ी, कहीं ना कहीं बार बार इसीलिए कट रहे हैं। चलिए फिर से करीब करा रहे हैं, वो अंदर की जगह बनाए हुए हैं। राइट साइड वाली पतंग नीचे से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिएगा, छतों के लोगों को सबको शेयर करिएगा। 8400 मांझे, 123 मांझे, कोई भी मांझे हो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉर्नर पे चल रहा है, आपको बढ़िया मांझे दिलाएंगे, वो मांझे जो खिलाड़ी लड़ाते हैं। कभी भी अननोन मांझे मत लिया करिए। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, अननोन मतलब ज़बरदस्ती के ब्रांड जो होते हैं ना दुकानदार बना लेते हैं अपने लिए, वो सब नहीं लिया करिए। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से चक्कर दे रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा पतंग ऊँची कर ली एक बार फिर से। ऐसा लग रहा है आठवां नवा पेच है, बहुत ही इत्मीनान से लड़ा रहे हैं ऊपर वाले खिलाड़ी। पतंगबाजी में 7 और 9 का बहुत अहम रोल होता है, समझ लीजिए सेंचुरी के बराबर होता है, जीत के बराबर होता है। अगर किसी ने 7 ही तय की है तो आपको भी 7 काटना होगा, नहीं तो आप हार जाएंगे। चलिए बहुत ज़्यादा ऊंचा किया, बाहर का गद्दा शो किया, इन्होंने बाहर क्रॉस खींचा है, वो ताकत का गेम था, कम से बार बार खींच रहे हैं और बढ़िया पेच काटते हुए। कहीं से आवाज़ आई है, शायद 8 पतंगे हो गई हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए एक बार फिर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बोल रहा हूँ बार बार यार, बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली वाले जो भाई हैं जरूर चैनल को देखें, आपको बहुत सारी टेक्निकलिटीज दिखेंगी, मालूम चलेंगे कि पतंगबाजी में होता क्या। एक तो नॉर्मल पतंगबाजी होती है छत वाली जो आप ओकेजनली लड़ाते हैं 15 अगस्त को, तो वो नहीं है, ये प्रोफेशनल है। जमीन और आसमान का अंतर होता है, जो आप उड़ाते हैं और जो ये प्रोफेशनल्स। समोसा नया बना था कि पुराना। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, लेफ्ट साइड वाली ऊपर। इसी तरह जयपुर में जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति में उड़ता है, अहमदाबाद वगैरह उड़ती है पतंगे, वो भी सब ओकेजनल होती है, मतलब शौकिया पतंगबाजी, प्रोफेशनल नहीं। लेकिन बहुत उड़ती है, इतनी उड़ती है कि क्या ही बोला जाए, पूरा आसमान छा जाता है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, मेरे ख्याल से 9वां पेच है, देखते हैं। करीब करा, ताकत से अंदर खींचा है, बहुत ही लाजवाब पेच काटा है, गद्दा उनका चलने दिया और अचानक से मुड्ढा अंदर मोड़ के ताकत से अंदर का रुख दिखाया है, जबरदस्त सुपर हिट पेच काट दिया इसे। देखिए एक बार रिप्ले में, ये देखिए इंतजार किया ऊंचा करके और ऊंचा कर दिया, देखिए गद्दा चला रोका और क्या मुड्ढा पलट के अंदर खींच के जानदार और शानदार पिच काटा है। चलिए अगला पिच देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, राइट साइड वाली पतंग नीचे से है। अंदर की तरफ गद्दा उतारा, अंदर उतरते चले इन्होंने बाहर की तरफ खींचा है और ये देखिए उन्होंने थपक लिया ऊपर वाले खिलाड़ी ने और वो छू के कट गए। तो ये दूसरे खिलाड़ी थे, मतलब जिन्होंने 8-9 पतंग नीचे से काटी थी वो नहीं थे, वो हट गए थे। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, अब लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से लगातार पेच बेहतरीन देखने को मिले अभी तक आपको, मतलब कोई ऐसे पेच नहीं थे जो हल्के फुल्के थे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, अद्दी का गेम जो होता है बहुत तेज थर्रारी का होता है, तो इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जबकि पौने का गेम सुकून का होता है। लेफ्ट साइड पतंग नीचे से, लेफ्ट साइड नीचे से, बाहर का गद्दा शो किया है ऊपर वाले ने, ताकत से इन्होंने भी बाहर खींचा, लेकिन देखिए आखिरी में थपक लिया, बहुत प्यारा पेच काटा है ऊपर से सौरभ ने। ये देखिए सौरभ, इनकी शॉप भी है काइट शॉप, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नीचे का पेच, नीचे का पेच लेके आ रहे हैं सौरभ नीचे से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, आखिरी में थपका था। चलिए करीब करा रहे हैं जल्दी से, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से अंदर की तरफ उतारते चले, इन्होंने ढील छोड़ दी, पूरी तरह से ढील छोड़ दी, ये देखिए ढील छोड़ दी, बहुत बढ़िया। फिर से गद्दा मारा ऊपर के खिलाड़ी ने, ये भी अंदर की तरफ थपक रहे हैं, ये देखिए फिर से ढील छोड़ दिया है, ढीलों पे रख लिया, वो थपक रहे हैं, वो काटा, बहुत कमाल का पेच काट दिया सौरभ ने। चलिए अगला पेच देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, ताकत से गद्दा बनाया, उन्होंने बाहर की तरफ खींचा है, ताकत से अंदर थपक रहे हैं, थपकते चले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जगह नहीं थी, या तो बाहर ही खींच डालते हैं या पहल से अंदर खींचना था। चलिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक जो देख रहे हैं, बताइए, कमेंट जरूर किया करिए भैया, कमेंट नहीं आते हैं यार आप लोग के।
कमेंट किया करिए, शेयर किया करिए। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से बहुत ही अच्छे पेज देखने को मिल रहे हैं, हमें भी बहुत दिन बाद ऐसे पेज देखने को मिले, मज़ा आ रहा है। चलिए गद्दा रखते हुए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से बाहर का गद्दा शो किया, इन्होंने भी करीब किया, रोका पतंग, ताकत से खड़ा खींच के बहुत अल्टीमेट पेज काटा है हमारे इस छोटे भाई ने, गजब का पेज लड़ा रहे हैं, ये भी बहुत ही उमदा पेज लड़ा रहे हैं, टेक्निकल लड़ा रहे हैं सारे पेज। पेज वो नहीं है कि ताकत से खींच लिया आर पार, नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता है, रोकिए दूसरे पैतरे अपनाइए तुरंत, तब मज़ा। लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे से बढ़ते हुए खिलाड़ी, रुख दिखाइए, पट मारिए, बलों पे रख लीजिए, ये सब पेज होते हैं। अब ताकत से कोई बाहर खींच रहा है, कोई अंदर खींच रहा है, तो उसमें उतना ख़ास मज़ा नहीं है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से बाहर किया, उन्होंने गद्दा चला, इन्होंने ताकत से फिर से पहल करके दिखा दिया कि हम ऊपर खींचेंगे, और ऊपर वाले खिलाड़ी ने ताकत से गद्दा लाद दिया, बढ़िया पेच काटा है ऊपर के खिलाड़ी ने। अब लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से, राइट साइड वाली पतंग ऊपर से ऊंचा किया, उन्होंने गद्दा चला, ताकत से ही अंदर खींच रहे थे, लेकिन तब तक जैसे ही अंदर खींचा, देखिए कितना टेक्निकल लड़ा है, वैसे ही ऊपर के खिलाड़ी ने थपक लिया, और मेरे ख्याल से इस भाई ने ही काटा है, और इसी भाई ने 8-9 पेज काटे थे बेहतरीन। चलिए अगला पेज देखते हैं, एक से एक जबरदस्त पेज देखने को मिल रहे हैं आप, बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, कॉर्नर पे नंबर चल रहा है, आपको कहीं से भी हो, आप इंडिया के बाहर से भी हो, अगर आपको मांझा काइट्स बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो ज़रूर कॉल कर लें, मैसेज कर लें, व्हाट्सएप कर लें, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अपनी शॉप नहीं है, लेकिन मैं अच्छी शॉप से कॉन्टेक्ट करा के आपको दिलवा दूँगा, जो जेन्युइन होंगे लोग, जो मांझा डुप्लीकेट नहीं करते हैं, और इस बात की मैं खुद की गारंटी लेता हूँ, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ उन जैसे शॉप्स की, जैसे जयपुर में हमारे मोहन भाई हैं, दिल्ली में हमारे उदित हैं, रियो, उनके पास 8400 वगैरह मांझा बहुत सारे अवेलेबल हैं, सम्राट हैं, ड्रैगन है, निंजा है, बाकी मोहन भाई तो सीजनल नहीं है, वो लगातार अपनी शॉप पे सारा काम करते हैं। चलिए पट मार रहे हैं, उन्होंने गद्दा चला, ताकत से अंदर खींच रहे हैं, क्या ये पेच काटेंगे, बहुत ही लाजवाब पेच काट दिया है, गद्दा चलने दिया और आखिरी में अंदर खींच के क्या पेच काटा है, ये देखिए यहाँ पे बहस हो गई है, मारा मारी चल रही है, तुमने मांझा क्यों तोड़ा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरा मांझा तोड़ा तो, नहीं तुमने तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब लूटने वाले हैं, सब छोटे भाई हमारे कुछ समझा रहे हैं सब एक दूसरे को, ऐसा है आधा आधा, वो देखो डंडा लिए हुए, वो कुछ बता रहे हैं हमको भी, हाथ भी दिखा रहे हैं, हेलो भी कर रहे हैं आप सभी को, लगता है मामला सलट गया, आधा आधा होगा, क्या होता है कि कुछ आगे भी खड़े होते तो वो तोड़ लेते, कुछ पीछे होते वो तोड़ लेते, तो मांझे का कोई मतलब नहीं होता, एक तोड़ लंबा होना चाहिए तब मज़ा आता है, अब कई सारे टुकड़े हो जाते हैं मांझों के तो मज़ा नहीं आता, तो उसी बात पे बहस हो रही है। चलिए आज इनका दिन बहुत अच्छा है, ये ब्लैक कैप वाले हमारे ब्लू शर्ट पहने हैं, नाम तो नहीं मालूम है। लेफ्ट साइड वाली पतंग एक बार फिर से देखेंगे ऊपर से, थोड़ी पतंग घूम रही है ऐसा लग रहा है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, हालांकि पतंग सही है, चलिए भारी पतंग है, करीब कराते हुए लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से ये रखा, उन्होंने ताकत से क्रॉस मार रहे हैं, और अब वो भी अंदर खींच रहे थे, लेकिन ये देखिए अच्छी टाइमिंग से थपकी लगा दी, बढ़िया ये पट पे थपका है, बाहर का पट गिरता हुआ इसे कहेंगे, एक बार फिर से लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से करीब करा रहे हैं, करीब करा रहे हैं, ताकत खींचते हुए उनकी पतंग डबल होती हुई ऊंची उड़ गई, बढ़िया पेच काटा है, पतंग से पेच काट दिया ऊपर के खिलाड़ी ने, देखिए गद्दा रखा, उन्होंने ऊंचा किया, बाहर का खींचा है, इन्होंने भी बाहर खींचा था, लेकिन देखिए पतंग कैसे लामती हुई ऊपर उठती हुई चली गई, डबल बनती हुई उनके मांझे को टांग ले गई, बढ़िया पेच काटा है ऊपर के खिलाड़ी ने अपने पतंग से। अब नीचे से आए हैं, लेफ्ट वाली पतंग नीचे से है, लेफ्ट वाली पतंग नीचे से उन्होंने गद्दा रखा, गद्दा रखा और करीब किया, गद्दा रखने का मतलब मांझे के करीब किया और ऊंचा करते चले गए, खड़ी पतंग पे गद्दा मार बैठे, और बढ़िया पेज काटा है हमारे इन भाई साहब ने। चलिए अगले खिलाड़ी आते हुए, मन्नान इनका नाम है, ये भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं,
ये तो अद्दी का गेम है, कोई कहीं से लड़ा सकता है, लेकिन ये शायद युवराज से लड़ाते हैं। अभी जो फन में जो टूर्नामेंट हुआ था, शायद वहाँ की विजेता टीम भी रही है। अभी जो फन में हुआ था टूर्नामेंट, फन के पीछे जो 2 नंबर और 3 नंबर ग्राउंड कहलाते हैं वहीं पे, तो उस टीम से लड़ाते हैं। चलिए देखते हैं मन्नान का पेच। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी तक जो खिलाड़ी लेफ्ट साइड खड़े हैं उन्होंने अच्छे पेच लड़ाए हैं, ज़्यादा पेच उनके भी अच्छे थे। जो कि राइट साइड खड़े हैं, जिनकी पतंग लेफ्ट साइड है, अभी लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से हैं, ध्यान से समझेंगे। बाहर का गद्दा शो कर रहे हैं, उन्होंने पतंग और ऊंचा किया। ये गद्दा पड़ा ताकत से पट मार रहे हैं, और लेकिन थोड़ा सा देर कर गए मन्नान, करना यही था कहीं ना कहीं। बढ़िया पेच बना ले गए थे लेकिन देर हो गई। पेच ऐसे ही लड़ाते हैं, पेच उतने ही होते हैं, 8-10 तरीके के ही पेच होते हैं। बस मेन क्या होता है, आपको बड़ा खिलाड़ी क्या बनाता है, आपकी टाइमिंग। कोई भी खेल में टाइमिंग ज़रूरी है, चाहे क्रिकेट की ही क्यों ना हो, क्रिकेट हम तो बहुत खेलते हैं, टाइमिंग मेन है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से अंदर की जगह बनाते चले जा रहे। नीचे वाला खिलाड़ी रखा, लेफ्ट साइड वाले ने पूरा गद्दा मारा है ताका से, इन्होंने फिर से खड़ा खींचा था। उनकी पतंग देखिए फिर से ऊंची उठती आ रही है, लाम बनती हुई ऊपर उठ गई थी डबल की तरह, और देर कर गया था नीचे वाला खिलाड़ी। लेफ्ट साइड वाली पतंग फिर से ऊपर से, लगातार नीचे से बुला रहे हैं अब ऊपर के खिलाड़ी, बढ़िया पेच लड़ाते हुए बेहतरीन। ऊपर वाली पतंग देखिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऊपर से, राइट साइड नीचे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, करीब कराते हुए लेफ्ट साइड और गद्दा रखा, लेफ्ट साइड ऊपर से और गद्दा रखा, चक्कर दिया, गद्दा मारा ताकत से, उन्होंने बाहर रोका, ताकत से अंदर खींचा है बेहतरीन। वो देखिए कोने में पतंग, क्या पेच लड़ा दिया, बहुत प्यारा पेच लड़ाया है। पूरा इंतज़ार किया गद्दा मारने का और आखिरी में अंदर ताकत से खींच दिया। ये सब पेच लड़ाइए तो मज़ा आता है। ठीक है, एक बार फिर से लेफ्ट साइड ऊपर से, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से लड़ाते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी को मांझे पतंग की, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो किसी के साथ। कॉर्नर पे नंबर चल रहा है 6306887012। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से ऊंचा किया, राइट साइड वाले खिलाड़ी जो कि नीचे से, इन्होंने गद्दा चला, पतंग घूम के अंदर आ रही, उन्होंने बल पे रोक लिया, बलों पे रोक लिया, नीचे का थपक रहे हैं पट पे, बढ़िया एक नंबर का पेच काट दिया। ये पेच भी बहुत प्यारा पेच लड़ाते हुए, नीचे से पेच लड़ा रहे थे ये हमारे भाई। चलिए अगला पेच देखते हैं दोस्तों। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है और राइट साइड नीचे से है। हवा की गति इस समय 15-16 लगातार चल रही थी, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट का पछियाव चल रहा है, यानी उल्टे हाथ का पछियाव, कोने का पछियाव चल रहा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से ये ऊंचा करते चले जा रहे, फिर से नीचे वाला खिलाड़ी और ऊंचा पतंग को चला चला के, चलिए करीब करा रहे दोनों, करीब करा रहे, रोका नीचे वाले खिलाड़ी ने, रोका वो उन्होंने अंदर उतारा है। ये पट पे झटक रहे हैं, पेच हुए नहीं, पेच लगे नहीं। चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे, पतंग को जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, और शेयर करिए यार, शेयर नहीं करेंगे तो लोग जुड़ेंगे कैसे, है कि नहीं? बढ़िया शेयर करिए, लोगों को जोड़िए काइट कल्चर को, और बड़ा करिए भाई। वैसे भी आप लोगों ने बहुत बड़ा किया, जो बात सही है। कभी हम लोग 1 लाख नहीं पहुंच रहे थे, आज 3.5 लाख हो गए हैं लगभग। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जितने भाई मेरे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग गद्दा चलाया, उन्होंने भी बाहर खींचा, रोकी पतंग, अरे भैया गजब, क्या डोर फेंक के अंदर की तरफ खड़ा खींच दिया है भाई, अल्टीमेट पेच। एक तो शायद वो 8वां 9वां पेच काटा था जो भाई ने हमारे अंदर खींच के, एक ये, दो पेच ऑफ द मैच देखा मैंने आज। चलिए एक बार फिर से पेच होता हुआ, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, कुछ एक आध पेच और रह गए हैं। ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पेच देखने को मिले हैं, हर तरीके के पेच, ताकत से खड़ा खींचते चले जा रहे हैं। वो उन्होंने अंदर खींचा, इन्होंने पतंग रोकी, राइट साइड वाली पतंग नीचे से है, ध्यान से समझना है, पतंग को चलाते चले जा रहे हैं, और ऊंचा खींचा, वो और अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, पतंग रोका दोनों ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, चलिए अंदर की तरफ उतारते हुए, बहुत ज़्यादा करीब पेच आ गए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग उतारते हुए चले जा रहे हैं, उन्होंने पतंग को चलाया चलाया चलाया, गद्दा मारा है, और वो देखिए पतंग चलाते ही रह गया, चक्कर काट दिए हैं हमारे भाई ने, और बहुत ही तगड़ा पेच लड़ा दिया है। अच्छा बिलाल ने लड़ाया ये पेच, वो चलाते ही रह गए और इन्होंने पूरा गद्दा चल दिया, बेहतरीन ये पेच काटा है। ये गोवर्धन ग्राउंड है जहाँ से ये पेच लड़ रहे हैं,
और ये मैकाले एक जगह है, वहाँ से कल्याणपुर। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से बिलाल, हालांकि क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ, क्रिकेट बहुत होता है, लेकिन जो क्रिकेट होता है वही पतंगबाजी वाला भी ग्राउंड होता है, नॉर्मल सी बात है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं बिलाल, हालांकि आज इनका दिन उतना ख़ास नहीं रहा था टीम का, इनकी टीम में भी बहुत धाकड़ धाकड़ खिलाड़ी है, बहुत अच्छे पेल लड़ाते हैं, दिन की भी बात होती है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए भैया, मैं फिर से बताना चाहूँगा, अब तक जो देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे भाइयों, जिससे मैं इंस्पायर हूँ और वीडियोज़ लाऊँ जल्दी जल्दी। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से ऊँचा कर लिए, देखिए पतंग घूम के अंदर की तरफ आ गई है, ऊँचा करके थपक तो रहे थे बिलाल, लेकिन उनकी पतंग गद्दा सीधा पड़ रहा था लेकिन घूम के अंदर आई, और ये पेच कट गए बिलाल, और वो उनकी पट्टेदार पतंग जा रही है। आइए एक और पेज देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लेफ्ट साइड पतंग देखिए, और ये थपकियों पे रोक लिया है, ऊपर से थी लेफ्ट साइड, वो देखिए कटे, गजब का पेच हुआ। आइए एक और पेज देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट पेज है ये, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, ध्यान से समझेंगे, थोड़े रेंज बढ़ गए हैं इस पेज में, अंदर की तरफ जगह बनाते हुए ऊपर का खिलाड़ी, उन्होंने ऊंचा किया, इन्होंने गद्दा चला, ताकत से गद्दा चलते चला, उन्होंने पट मारा है, वो गद्दा मार रहे हैं और रोकी, और वो छुई, और नीचे वाली पतंग कट गई सिर्फ छूने से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।